प्रेगनेंसी का तीसरा महीना मतलब प्रेगनेंसी की पहली तिमाही खत्म होने के करीब है, तो इसके साथ जी मिचलाना, थकान, चिड़चिड़ाहट जैसी परेशानियां काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। तीसरे महीने में इनके अलावा आपके शरीर में कुछ अलग बदलाव होंगे। पहला, सीने में जलन। चूंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, ऐसे में आपके पेट का अधिकतर हिस्सा उसे जगह देने में खर्च होगा। इसका इफेक्ट आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। ऊपर से प्रेगनेंसी हार्मोन पेट के एसिड को गले तक पहुंचा रहे होंगे, इसलिए खासकर लेटने पर आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम होगी। इससे बचने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें, सुबह शाम टहलें, हल्का खाना खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दूसरा, पेट पर निशान। बढ़ते बच्चे के साथ आपके पेट का साइज भी बढ़ेगा। आप चाहकर भी इस खुशखबरी औरों से नहीं छिपा सकेंगे, लेकिन दूसरी ओर आपके पेट की स्किन खींचने से उस पर स्ट्रेच मार्क्स या निशान बन गए होंगे। ये बढ़ते रहेंगे और इनमें होने वाली खुजली और खिंचान आपको तकलीफ देगी। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है डॉक्टर की सलाह से कोई क्रीम या वैसलीन इन पर लगाते रहें। तीसरा है कमर में दर्द। इस दौरान आपका वजन बढ़ा हुआ होगा, इसका सीधा इफेक्ट आपकी कमर पर पड़ेगी। कमर में होने वाला दर्द इसी का नतीजा है। इससे निपटने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज, टहलना, ज्यादा समय तक खड़े रहने से परहेज करना, बैठने पर तकिए का सहारा लेना, किसी के सहारे से उठना, ये सब सावधानियां करनी होंगी। फोर्थ है नींद आने में दिक्कत। आपको नींद आने में दिक्कत होगी, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। पहली वजह है आपका बढ़ा वजन। इसके अलावा पेट का बढ़ता आकार और हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव आपकी नींद से बाधा बनते रहेंगे। तो ये सभी बदलाव दिख सकते हैं आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में। उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और बने रहें इन्फो अप के साथ अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए।